नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबर। भोपाल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने विधायकों की खरीद फरोख्त पर कहा कि देश की आजादी के बाद आज तक इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ, इसमें करोड़ों रुपए कहां से आए, इनकम टैक्स वालों ने अभी तक नहीं पूछा भाजपा से। वहीं उन्होंने कहा कि मीडिया और प्रिंट मीडिया ने भी यह बात दिखाई कि खरीद फरोख्त हुई है, हमने तो कहा था कि विधानसभा 10 दिन टाल दो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यसभा चुनाव को तो टाल दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नहीं टल रहे हैं। करोड़ रुपया कहां से आए, क्या ये घोटाले में नहीं आता? इससे बड़ा कोई घोटाला हुआ ही नहीं आज तक यार, आजादी के बाद नहीं हुआ ऐसा घोटाला। वो पैसे आए कहां से, इनकम टैक्स वालों ने अभी तक नहीं पूछा उनसे, और जिनके पास पूछे इनकम टैक्स वाले क्यों नहीं पहुंचे अभी तक, वहां तक कहीं से तो आए। आप लोगों ने भी छापा है, प्रिंट मीडिया ने भी छापा है कि खरीद फरोख्त हुई है। सबको मालूम है बेंगलोर में कैसे जमा रहे, सबको मालूम है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। नहीं तो हमने तो बोल दिया था 10 दिन टाल दो, कोरोना आ रहा है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, आप लोग सब जान रहे हैं, लेकिन अपन मौन है क्योंकि कुछ संविधान से बंधे हुए हैं। लेकिन राज्यसभा चुनाव टाल दिए, विधानसभा टालने के लिए तैयार नहीं है, क्या बात करें। तो वो घोटाले के बारे में क्यों चर्चा नहीं कर रहा कोई? सबसे बड़ा घोटाला हुआ आंखों देखते हुए घोटाला हुआ, आप सबको मालूम है। जरा उस पर जरा कुछ वो चर्चाएं शुरू हो भाई, कि कितना गद्दार कौन है, कितना किसने दिया, कितना किसने लिया, बेचने वाला कौन, खरीददार कौन, जितना बिकने वाला दागलदार है उतनी खरीदने वाला भी दागलदार है, दोनों दागलदार हैं। कौन का अध्यक्ष पार्टी का बेंगलोर में जाता है, ऑल इंडिया का क्यों जाता है, ये भी प्रश्न चिन्ह है। नमस्कार, धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।